जय हिंद एवरीवन, मैं धान्या अग्रवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ डीपीएस राजनगर समर स्किल कैंप के न्यू पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ एक बार फिर से कृति चोपड़ा मौजूद हैं। कृति हैज बीन अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स फॉर अ फ्यू डेज। तो कृति, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं या ग्रूमिंग स्किल्स हैं, इनका बच्चों पे क्या इम्पैक्ट है, बच्चे क्या सीख रहे हैं और इनसे उन्हें क्या हेल्प होगी आगे फ्यूचर में, प्लीज अपने व्यूज शेयर कीजिए। हेलो धान्या, पर्सनालिटी ग्रूमिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, ये स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी ही आप एकेडमिक्स में या गेम्स में इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी आपके नेचर को आपको बिल्ड करती है। आप अपनी एकेडमिक्स, अपनी गेम्स, इन सब चीज़ों से बाद में जाने जाते हैं, पहले आप अपनी पर्सनालिटी से जाने जाते हैं। एंड आज मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए पर्सुएसिव टेक्निक्स के बारे में बताने वाली हूँ, विच इज़ पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी पर्सनालिटी के लिए। एंड इसके मेनली तीन पिलर्स होते हैं, एथोस, लोगोस एंड पैथोस। एथोस में मतलब ये इंक्लूड होता है कि आप कितनी ट्रस्टवर्दी है, आप जो शेयर कर रहे हैं पब्लिक से वो कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना क्रेडिबल है। लोगोस में इंक्लूड होता है कि आपकी जो स्पीच है वो कितनी लॉजिकल है, कितनी रीजनफुल है और वॉट आर द पीपल लर्निंग फ्रॉम यू। एंड इवन इफ यू हैव एनी आर्ग्यूमेंट्स देन पीपल आर रेडी टू लिसन बिकॉज यू प्रेजेंटेड इन अ वेरी पोलाइट वे। एंड पैथोस आर इमोशंस, आप इमोशनली कैसे अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हो, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे ऑडियंस को आपसे आपकी बात सुनने के लिए परस्यू करता है। ओके कृति, आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आजकल के टाइम में, स्पेशली राइट व्हेन यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, यू नीड टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर ऑफ कोर्स। अब इसके अलावा कृति, ग्रूमिंग स्किल्स और बच्चों को क्या सिखाती हैं? लाइक तुमने देखा होगा आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी यू नो बहुत ज़्यादा मूडी हो जाते हैं, राइट? उनको एंगर इशूज एंड मतलब ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि ये जो ग्रूमिंग स्किल्स हैं, सिंस दे आर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अप अ पर्सनैलिटी, तो डू दी स्किल्स हेल्प इन मैनेजिंग इमोशंस एज वेल? ऑफ कोर्स धान्या, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज सच अ नाइस टॉपिक। इन ट्वींस एंड टीन्स इमोशंस बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो इसीलिए हमारे स्कूल ने स्टूडेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी ग्रूमिंग को एक मूड बोर्ड बनाना सिखाया है, विच इज़ अबाउट ऑर्गेनाइजिंग देयर इमोशंस। तो पहले तो अगर उन्हें फॉर एग्जाम्पल उनको एक बच्चे को आइसक्रीम चाहिए और अगर उसे आइसक्रीम नहीं मिल रही है तो वॉट काइंड ऑफ इमोशन डज इज दैट चाइल्ड फीलिंग? क्या वो गुस्सा है, क्या वो इरिटेटेड है, या फिर उसे बुरा लग रहा है कि उसके पेरेंट्स ने उसे आइसक्रीम नहीं दी? सो बेसिकली द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग योर इमोशंस। यस, एंड द सेकंड स्टेप इज व्हाट इंस्टिगेटेड इट? इज इट ऑल बिकॉज यू डिडंट गेट एन आइसक्रीम, और या फिर आपको पहले से ही डांट पड़ी थी, या फिर आपके अपने सिबलिंग्स या फ्रेंड्स से लड़ाई हुई थी? नाउ द थर्ड स्टेप इज फाइंड अ पैटर्न, कि क्या पैटर्न है, क्या आपको हमेशा एक आइसक्रीम ना मिलने पे गुस्सा आता है या फिर बुरा लगता है? लाइक व्हाट इज योर पैटर्न ऑफ गेटिंग दिस ब्लास्ट ऑफ इमोशंस? द फोर्थ स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज टू रिकॉग्नाइज अ वे टू चेंज। इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू चेंज बिकॉज देन ओनली यू विल बी एबल टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी। तो हमने सिखाया कि कैसे आप अपनी इमोशंस के इस रोल कोस्टर को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन डू मेडिटेटिंग, यू कैन अंडरस्टैंड एंड हाउ आइसक्रीम इज नॉट हेल्दी फॉर यू एंड वाई योर पेरेंट इज नॉट गिविंग यू एन आइसक्रीम। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप एंड इट इज द लास्ट स्टेप, एंड दैट स्टेप इज टू आस्क फॉर हेल्प। एंड लेट मी टेल यू, इट इज ओके टू आस्क फॉर हेल्प, इट इज ओके टू टेल समबडी दैट यू आर फीलिंग दिस रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, यू आर नॉट एबल टू फील गुड। सो इट इज ओके टू लेट देम नो दैट यू नीड सम टाइम, आपको कुछ समय चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, एंड यू नीड टू फाइंड वेज एंड आस्क फॉर हेल्प इन दिस मैनर। ओके, थैंक यू सो मच कृति, दिस वॉज रियली इंसाइटफुल। एंड आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेजेस पर। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू एवरीवन, एंड हैव अ वेरी नाइस डे।